बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वैकेंसी अपडेट चैनल। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची शर्की में जो नई वैकेंसीज आई हैं वो कौन कौन सी हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तालीमी काबिलियत क्या चाहिए और कौन कौन से उम्मीदवार अहल हैं, मुकम्मल जानिए आज की इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स और हर नई आने वाली जॉब्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें नोटिफिकेशन के ज़रिए। दोस्तों तो बगैर किसी वक्त गंवाए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पहले दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची शर्की में मदरजा जैल असामी पर तकर्री के लिए कराची शर्की कुरंगी का डोमिसाइल और पीआरसी के हामिल खवातीन हजरात से दरखास्त मतलूब है। उम्मीदवार काम की मुकाबल सराहत करता तालीमी काबिलियत और उम्र के लाजमी हामिल हों। सबसे पहले इसमें दोस्तों असामी का नाम है जूनियर क्लर्क जो कि 11वें सर्कल की जॉब है। आपका डोमिसाइल कुरंगी या शर्की का होना चाहिए और इसके लिए तालमी काबिलियत आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। एमएस ऑफिस में महारत रखते हों। उम्मीदवार को किसी मुस्तनद इदारे का काबिलियत का सर्टिफिकेट लाजमी पेश करना होगा। इसके बाद आपकी दोस्तों उम्र की जो हद है वो 21 से 25 साल की होनी चाहिए जूनियर क्लर्क के लिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों ड्राइवर है, ड्राइवर की जो स्केल है वो 7 है, 7 स्केल की है जॉब है दोस्तों। इसके बाद आपकी जो डोमिसाइल है आपका वो कोरंगी या शर्की का होना चाहिए। रोड साइड और हाईवे कोड पढ़ने की अहलियत रखता हो और काबिल मियाद ड्राइविंग लाइसेंस का हामिल हो, यानी कि आपके पास एक्सपायरी लाइसेंस ना हो जो कि काबिल मियाद हो, वो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बाद आपकी जो उम्र की जो हद है वो 20 से 28 साल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बेलिफ की नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है बेलिफ की। इसके लिए आपका डोमिसाइल कुरंगी शकी और मैट्रिक पास होना तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। 20 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। नैब का से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेसिक पे स्केल 3 की यह जॉब है। इसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर माली और इसके बाद दोस्तों शरायत है इसकी किस तरह, यानी कि आपने जमा करानी है एप्लीकेशन और क्या तरीकेकार है, आप इसको पढ़ सकते हैं वाजे तौर पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। दरखास्त के साथ CNIC डोमिसाइल PRC और दीगर तालीमी असनाद इश्तेहार की इशात के 15 दिनों के अंदर पहुंच जानी चाहिए। सीरियल नंबर 1 के टेस्ट STS सखर IBA टेस्टिंग सर्विस के जरिए लिए जाएंगे। उम्मीदवारान दरखास्त फार्म और 700 रुपए का चालान IBA की वेबसाइट, ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं IBA की वेबसाइट से डाउनलोड करना है इसको। चालान जो है आप यहां से दरखास्त फार्म और 700 रुपए का चालान आप इस वेबसाइट से डाउनलोड करवा सकते हैं। किसी भी दुकान या शॉप पे जाके, किसी कंप्यूटर वाली दुकान पे जाके वहां से आप ये प्रिंट आउट करवा के तो इसको जनाब आपने फौरन सबमिट कर देना है क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर ये दरख्वास्त पहुंच जानी चाहिए, वरना जो लेट दरख्वास्त पहुंचेगी वो काबिले कबूल नहीं होगी। इसके बाद PRC डोमिसाइल CNIC की नकुल, दो हालिया तस्वीर और असल बैंक डिपॉजिट स्लिप के हमरा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म मदरजा जैल पते पर अरसाल करें। नीचे ये जैसा कि देख रहे हैं आप STS IBA यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट रोड सखर, इस एड्रेस पर आपने इस पते पर जो है आपने भेज देना है। इसके बाद पांचवी शर्त है
सीरियल नंबर 2 से 6 की दरख्वास्त बनाम जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची शर्की के पत्ते पर हड़ताल की जाएंगी, और इसके बाद जनाब ना मुकम्मल या गलत तौर पर हड़ताल की गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएंगी। इंटरव्यू के वक्त असल जो असनाद दस्तावेजात हमरा लाएं, अथॉरिटी का फैसला हतमी होगा। खालिद हुसैन शाहानी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची शर्की। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।